नमस्कार, स्वागत है आपनो फाइव स्टार तड़का प्रेजेंटेड बाय तिरुपति कॉटन सीड ऑयल, को प्रेजेंटेड बाय वाघ बकरी मिलीचा एंड को पावर्ड बाय पंचामृत नारियल पानी। मारू नाम छे कोमल अने हुं आवी पहुंची छुं अमदावादनी एवी जग्यामां के ज्यांनो फूड मने खूब ज पसंद छे अने ए छे अंगद 22। जी हां, आईनी कई रेसिपी स्पेशियल छे ए हुं शेर करीश तमारी साथे अने ए बनावशे शेफ। चलो मळीए शेफ ने। शेफ गिरीश आपनी साथे उपस्थित छे। शेफ स्वागत छे आपनो शोमां। थैंक यू। शेफ अंगद 22 की कौन-कौन सी रेसिपीज लोगों को पसंद आती है? मैम, सबसे पहला हमारा पनीर लाजवाब है, पनीर बादशाही है, पनीर मखनी है, सिजवन पनीर है, मंचूरियन ड्राई, हक्का नूडल्स, ये हमारा मतलब सबसे बेहतरीन है और लाजवाब है। अरे वाह, એટલે આની ઘણી બધી રેસિપીઝ એવી છે કે જે લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવે છે। અને શેફ આજ કોણ સી રેસિપી આપ બનાવવાને વાલે? આજ હમ બનાવવાને જા રહે હૈ પનીર કોફતા। ઓકે, પનીર કોફતા બની રહ્યા છે, ગરમા ગરમ પનીર કોફતા। એના માટે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ માં શું શું લેવાનું છે શેફ? हम लेंगे सबसे पहले मलाई पनीर लेंगे, उसके लिए आलू और मावा। ओके, इसको हम ग्रेटर करेंगे। जी जी। अरे बीजी कई सामग्री ली थी शेफ? जी, ये मतलब बनाने के लिए लिया, इसमें मतलब अपने तेज पत्ता, लौंग, जावित्री, लकड़ा, काली मिरी, स्टार फ्रूट, ग्रीन इलायची, धनिया, ग्रीन चिल्ली, टमाटो, ओनियन, गार्लिक, बाकी अपने मसाले। ओके, रेसिपी बनावानी आपने शुरुआत करिए। सबसे पहले शुरू करिशु शेफ? सबसे पहले हमको एक बॉल की जरूरत पड़ेगी। ओके जी, चलो शुरू करते हैं। जी, हमने बॉल ले लिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसमें ये मलाई पनीर है जो, इसको ग्रेटेड करेंगे। जी, इसको ग्रेटेड करने, इसको अच्छे से ग्रेट करेंगे। जी, कोफ्ता एकदम सॉफ्ट हो छे, એટલે તમે આમાં જે પનીર લઈ રહ્યા છો એ મલાઈ પનીર લેશો તો એનું રિઝલ્ટ વધારે સરસ આવશે। શેફ અબ ક્યા કરેંગે આગે? आगे हम ये पोटैटो घिसेंगे, इसमें पनीर घिसने के बाद इसमें एक पोटैटो घिसेंगे, ग्रेटेड करेंगे पोटैटो। ओके, फिर क्या करना है? इसके बाद इसमें स्वीट मावा, इसको ग्रेटेड कर देंगे थोड़ा, 100 ग्राम जितना। ओके, मावो लेवानो छे, गड़ियो मावो लेवानो छे। जी। ओके शेफ, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ओके जी, जे कोफ्ता नो बेस छे ए पनीर, आलू अने गड़िया मावा माथी तैयार करेलो छे। हवे बधा मसाला एड करीशु, स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे हम, उसके बाद हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। जी, स्वाद अनुसार एक स्पॉन्ज, एक टीस्पून गरम मसालो और एक टीस्पून धनिया पाउडर, आधा स्पून जितना हल्दी डाल देंगे। जी जी, और थोड़ा हरा धनिया। ओके, अबे मिक्स कर ही लीशु। जी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ओके, मिश्रण तैयार कर ही लीधु छे। शेफ अब क्या करना है आगे? इसमें हम एक स्पून कॉर्न फ्लावर डाल देंगे। जी, थोड़ा मैदा डाल देंगे आधा स्पून जितना। इसको उसके बाद हम मिक्स करेंगे। ओके, क्योंकि जो इसका थोड़ा थिकनेस हो जाएगा और थोड़ा वो जाड़ा हो जाएगा। ओके, जिससे मतलब फटे ना ऑयल में, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते रहेंगे इसको जब तक ये एकदम सॉफ्ट नहीं हुआ, तब तक हम इसको बना करेंगे। जी, ये अब हमारा बन के ये रेडी। अब हम इसमें ये हो गया हमारा सही, एकदम मुलायम सॉफ्ट हो चुका है ये चीज़। अब हम बनाएंगे इसका कोफ्ता। सबसे पहले इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। पीस करने के बाद अब हम इसको हाथ से गोल कर देंगे, सीविंग के लिए इसको गोल कर देंगे। इस गोल बनाने के बाद इसको हम डीप बाद में फ्राई कर लेंगे। ओके, ये हमने तेल चालू कर दिया है। जी, कोफ्ता ने हलवा हाथे वाड़ी लेवाना छे। ખાસ કરીને જો તમારે આ કોફતાની અંદર સ્ટફિંગ કરવું હોય તો તમે એ પણ કરી શકો છો। ઘણા લોકો ડ્રાયફ્રૂટનું સ્ટફિંગ કરતા હોય છે થોડી રીચનેસ આપવા માટે, ઇવન સિંગ છે કે કોપરું છે, આ બધી વસ્તુઓનું પણ તમે સ્ટફિંગ કરી શકો છો। યે મેમ, અમારો કોફતા રેડી હો ગયો। જી, ઉસકે બાદ અમારા ઓઇલ ગરમ હોગા, જબ તક કમ ઇસકો जब अच्छे से ओवन गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें डीप फ्राई करेंगे हम इसको। ओके, एकदम उकड़ता तेल में आ कोफ्ता ने डीप फ्राई करवाना छे, એટલે तेल बराबर આવવું જોઈએ, પછી ડીપ ફ્રાય કરજો। શેફ અંગદ 22 में कौन कौन सी सब्जी की रेसिपीज़ बनती है जो लोगों को बहुत पसंद है? पनीर लाजवाब, पनीर मखनी, पनीर नवाबी, मंचूरियन ड्राई, कृषि वेज, स्प्रिंग रोल, हक्का नूडल्स, कृषि फिंगर,
ओके और आपको रेसिपी कौन सी रेसिपी ऐसी है जो बनाने में आपको बहुत मजा आता है? मेरे को सबसे अच्छा पनीर मखनी बनाने में सबसे अच्छा लगता है। अच्छा पनीर मखनी आपकी स्पेशलिटी है राइट? हाँ जी। ओके तो तेल गरम थे गयो छे अने हवे आपणे कोफ्ता ने डीप फ्राई करी लईए। शेफ चलो हमारा तेल गरम हो चुका है इसमें हम कोफ्ता डालेंगे। ओके अब हमने तेल में कोफ्ता डाल दिए हैं इसको हम हल्के से स्लाइसर से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना जी। और अच्छा से बन जाए। शेफ कोफ्ता पर कयो आउटर लेयर करी छे तमे? कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ओके। कोफ्ता छूटा ना पड़ी जाए तो ये डीप फ्राई करता पहला तमे कॉर्नफ्लावर नु आखू लेयर करी सको छो आउटर लेयर करी सको छो ताकि ये नीचे नॉन स्टिक में चिपके ना और फटे ना। इसके लिए हम इस पे थोड़ा कॉर्नफ्लावर का लेप लगा लेते हैं बाहर से। ये हमारा कोफ्ता फ्राई हो रहा है रेडी होने वाला है जी। कितनी देर तक फ्राई करना है इसको? ये 5 मिनट मिनिमम अगर तेल हीट है तो 2 या 3 मिनट में हो जाएगा। अगर तेल गर्म करने तो 5 मिनट लगेगा इसमें। ओके 5 मिनट में अच्छा से हो जाएगा अपना जी। कोफ्ता ने चारे पन डीप फ्राई करो तो इन्हें कांस्टेंट फेरवता रहे छो जी। इसको हिलाते रहना ताकि हमारा कोफ्ता नीचे चिपके ना जी अब फटे ना जी। सर नहीं तो अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो नीचे से जल जाएगा एक तरफ से जल जाएगा। हाँ इसको हिलाते रहने का जब तक ये प्रॉपर फ्राई नहीं हो। कोफ्ता डीप फ्राई थे गया छे। ये हमारा कोफ्ता रेडी हो चुका है अब हम इसको निकाल देंगे। एकदम हड़वा हाथे बाहर काटवाना छे टूटी ना जाए ये रीते। इसको हम स्लाइसर से बाहर निकाल देंगे। तो हमारे कोफ्ता ये रेडी हो चुके हैं जी जिसको इसको हम इसमें रख देंगे। ओके शेफ। शेफ अब तैयारी करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो हमको 500 ग्राम जितना टमाटर लेने पड़ेगा जी। टमाटर को हम क्यूब कटिंग करके इसमें क्यूब कटिंग करके रख देंगे। ओके उसके बाद ही हम इसमें इसको बनाने का तरीका सबसे पहले हम इसमें 100 ग्राम जितना ऑयल डालेंगे जी। ऑयल डाला ऑयल डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले अपना जो सबसे पहले हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे जी। 50 ग्राम जितना हमें तेज पत्ता डालने का थोड़ा जावित्री डालेंगे। ओके उसके बाद काली मिरी डाल देंगे। उसके बाद तेज लकड़ा स्टार फूल ओके ग्रीन इलायची 100 ग्राम जितना लगेगा। ओके मखनी की ग्रेवी के लिए ग्रीन इलायची। इसके बाद हम इसको अच्छे इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक बद्दा खड़ा मसाला लेवाना छे अने इने तेल मा थोड़ा रोस्ट करी लेवाना छे बराबर रीते। गार्लिक चॉप गार्लिक डालेंगे। ओके सर चॉप गार्लिक डालने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे फिर सबसे पहले हम टमाटर ले लेंगे इसको हम अच्छे से क्यूब कटिंग काट लेंगे जी सर। क्यूब कटिंग करने के बाद हम अच्छे से इसके बाद हम इसमें टमाटर इसमें डालेंगे। ओके इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे हम जब तक कि ऐसे से सोते नहीं हुआ इसको हम रोस्ट करते रहेंगे। ओके रोस्ट एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। ओके इसमें ये जब रोस्ट हो जाएगा इसमें से हम हल्का एक काजू डाल देंगे। हाँ 200 ग्राम काजू डाल देंगे इसमें। काजू डालने के बाद इसको फिर से रोस्ट करें। अच्छे से रोस्ट होने के बाद अब मखनी ग्रेवी कई रीते तैयार करवानी छे एनी प्रोसेस आपने दर्शावी रहा छे। टमेटानी अंदर काजू एड करवाना छे ने आ मिश्रण ज्यारे ठंडू थई जाय त्यारे ने क्रश करी लेजो अने क्रश करीने अमे आ ग्रेवी तैयार राखेली छे। ये हमारा अब ये रोस्ट हो चुका है हमारा टमाटर रोस्ट हो चुके हैं इसको हम एक बाउल में ले लेंगे। ओके इसको हम बाउल में लेने के बाद इसको मिक्सर में पीस देंगे इसको अच्छे से। ओके ग्रेवी तैयार छे आपणे आगळनी प्रोसेस करिए। शेफ अब क्या करेंगे आगे? हमारी प्यूरी बनके रेडी हो चुकी है जो हमने टमाटर सौते किया था उसकी हमने प्यूरी बना चुके हैं जी। ये प्यूरी रेडी हो चुकी है अब हम इसको बनाने का तरीका सबसे पहले हम ऑयल लेंगे 200 ग्राम जितना हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ओके ऑयल डालने के बाद इसमें हम सबसे पहले एक स्पून गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक डालने के बाद इसको हम अच्छे से इसको हिला देंगे अच्छे से। ओके हिलाने के बाद इसमें एक स्पून
ऑनियन ऑनियन डाल देंगे, चॉप ऑनियन डाल देंगे। ओके, चॉप ऑनियन, आधा स्पून ग्रीन चिल्ली डालेंगे हम इसमें। उसके बाद हम इसको अच्छे से सौते करेंगे, इसमें भूनते रहेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हुआ प्याज, ताकि इसमें गार्लिक की खाते टाइम गार्लिक की स्मेल ना आए। जब तक हमारा ब्राउन नहीं हुआ तब तक इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। ओके सर, जब ये गार्लिक ब्राउन हो जाएगा अपना, उसके बाद हम ये जो हमने प्यूरी बनाई है मखनी की ग्रेवी की, इसको हम इस मखनी की ग्रेवी इसमें ऐड कर देंगे। ओके, ये हमारा ऑनियन गार्लिक ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने प्यूरी बनाई थी, टमाटो की प्यूरी बनाई थी, अब हम इसमें डाल देंगे इसको। इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे, पाँच मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे जी शेफ, ताकि जो इसका टमाटो का जो पानी है वो निकल जाएगा, अच्छे से भर जाएगा, थिकनेस आ जाएगी ग्रेवी में, जो खाने में अपना टेस्टी और स्वादिष्ट रहेगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हनी डाल देंगे मखनी ग्रेवी के लिए, इसमें हल्का सा हनी टच करेंगे, आधा स्पून जितना हम इसमें हनी डाल देंगे, ताकि इसको बच्चों के लिए सबके लिए खाने में सबसे पहले मखनी ग्रेवी थोड़ा स्वीटनेस रहेगा। मतलब स्वादानुसार इसमें रेड चिल्ली पाउडर मार देंगे हम, आधा स्पून मतलब 50 ग्राम जितना इसमें मिर्ची डाल दिया जी, रेड चिल्ली पाउडर। उसके बाद हम इसमें 50 ग्राम इसमें किचन किंग डाल देंगे। उसके बाद हमको धनिया पाउडर लेना, धनिया पाउडर डाल 50 ग्राम जितना धनिया पाउडर डाल देंगे हम इसमें। उसके बाद हम इसमें चॉप धनिया डाल देंगे, ग्रीन धनिया, इसको अच्छे से मिला देंगे हम। ये अच्छे से मिल चुका है, इसमें अब हम एक स्पून क्रीम डाल देंगे। अब हम इसमें सबसे लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी। ओके शेफ, इसमें हमने कसूरी मेथी डाल दी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको अच्छे से हिला देंगे। तो ये हमारा मखनी की ग्रेवी रेडी हो चुका है, कोफ्ता की ग्रेवी। अब इसमें हम कोफ्ता डाल देंगे जी, और इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि कोफ्ता ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए जी। अब इसको, ये हमारा रेडी हो चुका है कोफ्ता। ओके जी, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ओके शेफ जी, तो ये हमारा कोफ्ता रेडी हो चुका है, पनीर कोफ्ता। गरमा गरम सब्जी तैयार छे, एने तमारे सर्व करवानी छे, ने जो तमारे ने गार्निश करवी होय तो कोथमीर अने क्रीम थी तमे ने गार्निश करी शको छो। ફર્સ્ટ રેસિપીમાં આપણે તૈયાર કર્યા ગરમા ગરમ કોફતા, હવે જોઈએ કે સેકન્ડ રેસિપીમાં શું બનશે। શેફ, સેકન્ડ રેસિપીમાં ક્યા બનાવેંગે? એના ક્રિસ્પી કોટેજ ચીઝ। ઓકે, અને એના માટે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ક્યા લેવાના છે? સબસે પહેલે હમ ઇસકે લિયે મતલબ એક બાઉલ લેંગે, ઉસકે બાદ હમ ઇસમે કોર્ન ફ્લાવર મેદા કા બેટર બનાવેંગે જી। બેટર બનને કે બાદ હમને યે પનીર ફિંગર કટિંગ પનીર કાટા હુઆ હૈ, ઉસકે બાદ ઇસમે હમ ઇસકો ડીપ ફ્રાઈ કર દેંગે। ઓકે, બીજી કઈ સામગ્રી લીધી છે? ઇસમે હમકો લગેગા સેલરી, લગેગા जिंजर, लगेगा स्टार फूल, तेज पत्ता, लकड़ा, ऑनियन और सीजन सॉस। ओके, शुरू करिए जी। तो हम सबसे पहले 200 ग्राम कॉर्न फ्लावर लेंगे, 200 ग्राम कॉर्न फ्लावर। उसके बाद 100 ग्राम जितना हम इसमें मैदा डाल देंगे। ओके ओके शेफ, आगे? इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। बैटर तैयार करना है इसमें से, तो अच्छे से ओके इसको अच्छे से घोल देंगे कॉर्न फ्लावर और मैदा को। इन केस जो लम्स रह जाए छे तो પછી તમે હાથેથી પણ એને મિક્સ કરી શકો છો। ये हमारा अच्छा से घोल के रेडी हो चुका है जी। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले रेड चिल्ली
सॉस डाल देंगे टू स्पून। ओके, उसके बाद हम इसमें थोड़ा कलर के लिए थोड़ा देगी मिर्च यूज कर देंगे। ओके, स्पून जितना हम इसमें देगी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से घुमाएंगे ताकि अच्छे से घुल जाए। घुलने के बाद इसमें हम एक स्पून मैगी को मार देंगे थोड़ा। इसके बाद इसमें वाइट पेपर डाल देंगे एक स्पून। उसके बाद इसमें वाइट तिल जी एक दो स्पून डाल देंगे। उसके बाद अच्छे से इसको घुमाएंगे हम। इसको अच्छे से घुमाते रहेंगे जब तक ये मिक्स नहीं हुआ अच्छी तरह से। जी सर, રેસિપી નો જે બેટર છે એ એકદમ બની રહ્યો છે ફ્લેવરફુલ। તો એ અમારો બેટર રેડી હો ચુકા હે। ઇસમે હમ સબસે પહેલે પનીર જો હમને યે પનીર કટા હુઆ મલાઈ પનીર ઇસકો હમ ઇસમે ડીપ કર દેંગે। ઓકે, ઇસમે ડાલને કે બાદ ઇસકો અચ્છે સે હિલા દેંગે। જી શેફ, इसको मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे से। उसके बाद हमारा ऑयल गरम गरम हो चुका है जी। उसके बाद हम इसमें डीप फ्राई कर देंगे इसको। ओके, अच्छे से। પનીરને બરાબર ડીપ ફ્રાય કરવાનું છે અને કોન્સ્ટન્ટ એને ફેરવતા રહેવાનું છે એટલે બધી બાજુથી ડીપ ફ્રાય થઈ જાય। આમાં કોર્નફ્લોર છે અને મેંદો છે એટલે પનીરની ઉપરનું જે આઉટર લેયર છે એ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। અબ ક્યા કરેંગે શેફ? યે હમારા રેડી હો ચુકા હે, ઇસકે બાદ હમ ઇસકો નિકાલ દેંગે। જી, प्लेट में रख देंगे। शेफ, अब आगे क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जी। उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे क्योंकि जो एक क्रिस्पी फिंगर है अपना इसके साथ सीजन चटनी के साथ सब होता है। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए सीजन सॉस चटनी। ओके, सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसके बाद हमने ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल डालने के बाद अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सेलरी का तड़का मारेंगे। ओके, इसमें हम सेलरी डालेंगे 100 ग्राम। ओके, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप गार्लिक, चॉप ऑनियन, ग्रीन चिल्ली। ओके, जिंजर डालेंगे इसको जी। उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। हाँ, जब तक ये ब्राउन नहीं हो इसको भूनते रहेंगे अच्छे से। अपना ये जिंजर गार्लिक जब तक ये ब्राउन होता है तो ये हमने मतलब सिजवन सॉस पेस्ट बना रखा है। इसको हमने मतलब कोल्हापुरी मिर्ची और रसम पट्टा पीस के इसका प्यूरी बना रखा है। हाँ, अब हम इसको हमने पीस के रेडी रखा हुआ है। इसके बाद हम अब ये अच्छे से हमारा ब्राउन हो चुका है, उसके बाद हम इसमें सिजवन सॉस डाल देंगे। ओके, ये प्यूरी जो हमने कोल्हापुरी मिर्ची और रसम पट्टी पीस के बनाया हुआ है ये प्यूरी, इसको हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा सीजन सॉस बन रहा है, इसके साथ चटनी किसी फिंगर के साथ ये सीजन चटनी के साथ सब हो गए। ओके शेफ, ये इसके बाद हम इसमें 2 स्पून रेड चिल्ली, एक स्पून इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे जी। इसके बाद हम इसको अच्छे से रोट आधा मतलब स्वादानुसार हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। ओके, तो सेजवान ग्रेवी तैयार थई रही छे जिनी एकदम सरस सुगंध आवी रही छे। तो इसमें हम हल्का सा चॉप धनिया डाल देंगे ऐड कर देंगे और स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ओके, तो गाइस तो ये हमारा सेजवान सॉस रेडी हो चुका है। ओके, जिसको आप हम क्रिस्पी फिंगर के साथ सर्व करेंगे। ओके शेफ, हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम बॉल में डाल देंगे।
एकदम कलरफुल अने स्पाइसी सेजवान ग्रेवी तैयार छे। आपणे एने गरमा गरम सर्व करीशुं। ठीक, इसको हम यहाँ पे सर्व कर देंगे इसके साथ। जी, इसके जो पनीर है हम इसमें थोड़ा टूथपिक लगा देंगे ताकि खाने में हमें आसानी रहे। जी, तो ये हम अच्छे से इसमें टूथपिक लगा देंगे। ओके, ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सिजवन चटनी के साथ सर्व करेंगे, खाएंगे। सो रेडी छे कोटेज चीज क्रिस्पी फिंगर्स। શેફ, આજની બંને રેસિપીઝ માટે થેન્ક યુ સો મચ, અને તમને મળે છે વાઘ બકરી મિલી ચા તરફથી આ ગિફ્ટ હેમ્પર। થેન્ક યુ। આ ગિફ્ટના પ્રાયોજક છે વાઘ બકરી મિલી ચા। ભાઈ, અંગત 22 માં હું આવી છું ને એની રેસિપીઝ મેં ટ્રાય કરી છે ને આપણી સાથે પણ શેર કરી છે। અહીંના ઓનર આપણી સાથે છે, વિપુલ ઠક્કર આપણી સાથે છે, કેમ છો? બસ એકદમ મજામાં। અચ્છા, મને જણાવો કે અંગત 22 નો વિચાર કઈ રીતે, શા માટે અને અત્યાર સુધીની જર્ની કેવી રીતે રહી છે? ઓકે, સો મેં ખુદ એક હોટેલ મેનેજમેન્ટ કરેલું છે આઈએચએમથી, અને મને પહેલેથી ફૂડ લાઇનમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો। સો હોટેલ મેનેજમેન્ટ કર્યા પછી હું કામ કર્યું અને એના પછી પોતાનું રેસ્ટોરન્ટ કર્યું। અંગત 22 અમે લોકોએ 2015માં સ્ટાર્ટ કર્યું છે, અને અમારે મલ્ટી ક્યુઝિન રેસ્ટોરન્ટ છે, જેમ કે નોર્થ ઇન્ડિયન છે, ચાઇનીઝ, કોન્ટિનેન્ટલ, દરેક વસ્તુ અમે દરેક ક્યુઝિન સર્વ કરીએ છીએ। અને મારો પર્સનલી આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, જ્યારે મને કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં કહીને જાય છે કે ફૂડ બહુ સરસ હતું, સર્વિસો મજા આવી, તો એ સાંભળી અને એ જોઈને અમને એક અંદરથી એક ગુડ વાઇબ્સ આવે છે અને સેટિસ્ફેક્શન થાય છે। તો એ એક મારો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ છે। બસ આ રીતે મારો પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ છે, અમે લોકો અંગત 22 સ્ટાર્ટ કર્યું છે। રાઈટ, એટલે કહી શકાય કે આ જગ્યા છે, એનું જે ફૂડ છે તમારા માટે કિટ બરાબર છે કે ખૂબ જ વાલું હોય? એક્ઝેક્ટલી, રેસ્ટોરન્ટમાં રેસ્ટોરન્ટ લાઇનમાં બે સાઈડ હોય છે, એક સારી સાઈડ અને કસ્ટમર્સનો ફીડબેક નેગેટિવ બી આવતો હોય છે। જ્યારે અમારા કસ્ટમર્સ અમને નેગેટિવ ફીડબેક આપે છે, જેમ કે સર્વિસમાં કોઈ દિવસ એમને ના મજા આવી હોય, તો એ દિવસે અમને એવું બી લાગે કે અરે અમે લોકો ક્યાંક કાચે પડી જશે, અમને એ દિવસે કહી ના શકાય પણ અમને હું ના આવે એ દિવસે, એવું થઈ જાય છે। રાઈટ, ચોક્કસથી અહીંયા આવવા માટે અને જો અહીંની કોઈ વાનગીઓ દર્શકોને ટ્રાય કરવી હોય, આમ તો બધી જ સરસ છે, પરંતુ તમારી કોઈ ફેવરેટ હોય તો ટીવી નાઇનના દર્શકોને કંઈ સજેસ્ટ કરશો? જી બિલકુલ, અમારે નોર્થ ઇન્ડિયન ક્યુઝિનમાં તમે લોકો ટ્રાય કરી શકો, જેમ કે પનીર સ્ટીક મખની છે, પનીર કોફતા છે, વેજીટેબલમાં જેમ કે અમારી મિક્સ વેજ છે, મિક્સ વેજ દીવાની હાંડી, જે અહીંયા આગળ લોકો બહુ જ સરસ પ્રિફર કરે છે અને બહુ લોકો એને બહુ વખાણ કરીને જાય છે અમારી સાથે, તો એ એક સબ્જી તમે ટ્રાય કરી શકો છો, અમારું કોન્ટિનેન્ટલ ફૂડ પણ તમે ટ્રાય કરી શકો છો। જી ચોક્કસ, એટલે તમે જ્યારે પણ કોઈ જગ્યાએ જાઓ ને જમવા માટે, તો મેન્યુ જુઓ ને પછી હું નક્કી કરો કે એવું કંઈક ખાવું છે કે જે ખાઈને મજા આવી જાય, હંમેશા યાદ રહી જાય અને તમે બીજા લોકોને સજેસ્ટ કરી શકો, તો આ જગ્યા એવી જ છે। અને આવી જ નવી જગ્યાઓ સાથે આપણે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી મને આપી દો રજા, બાય બાય।